इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। ब्रिंग नेत्रदि सिंगि आवाज निकली हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे जिधर देखो उधर जहां आवाज आई प्रभु की, मानो खबर चल गई। बाबा के गण लोग जहां जहां थे, शिव अनुशासन सुन सब आए। तब पद जल शीश तिन नाए, नाना वाहन नाना वेशा, बाबा देखे तो जोरदार ठहाका लगाया बाबा ने, वाह 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 वाह। विशेष हंसी बिहसे शिव समाज निज, काहे कोई मुखहीन कोई बहुमुखी। किसी के कई मुख, बहुमुखी का भी बहुत अर्थ है। किसी के हाथ पांव दोनों नहीं, किसी के बहुत बहुत है। किसी के आंखें यहां, किसी के एको आंख नहीं। कोई अति मोटा है, कोई अति तृषित है। बाबा इतने बता के नहीं रहे, आगे कहते हैं कैसे गण। तन कीन कोवत बीन पावन कोवा पावन पति धरे भूषण कराल कपाल कर सब सके सोन तन भर हर पान सुवर सिकाल मुख गण देश रगन कोवन पावन सचेत पिसाज जो जमाच भरन ते यहां पीन पावन कोई अपावन। कोई लगाए त्रिपुंड जैसे काशी के श्मशान से चला रहा, एकदम शुद्ध बुद्ध भस्मी लगाए श्मशान की मणिकर्णिका की। स्वरूप तो सबके भिन्न भिन्न है, लेकिन मुख सबके एक जैसे लंबे लंबे हैं। गधे का, कूकर का, शूकर का, सियार का लंबा मुख क्यों कि बोले यहां तो सुनाई पड़े दहिसर तक। हाँ, ऐसी आवाज। अब कोई चुप नहीं है, हो नाचेगा वही गी परम तरंगी देव यति विपरीत
यति विपरीत बोले हमारे दादाजी भूत बन जाते हैं। एक बार हम गा रहे थे तो हमको दिखाया, हमने कहा कि रात को न बजाना नहीं तो आप हंसते आ जाएंगे। बहुत सुंदर है, अभी तो वर्तमान ही ठीक है। कई लोग पूछते महाराज भूत होता है, अरे हमने कहा कि चुप रहो, आ जाएगा तो आंख बंद हो जाती है। अब मैं सोचो लोग मेहदीपुर बालाजी गए होंगे, कैसा भूत है ये योनि है। एक जैसे मानव योनि है ना, वैसे भूत प्रेत की भी एक योनि है, ऐसा नहीं ना तो समझो ही नहीं। अब वो गुआ में कहते हैं ना बहरवा वाले बरगदा पर आए थे कौन, हाँ ज्यादा जो सेंटिमेंट लगा के जाते हुए कि कंधे पर बैठ जाते ले चला फिर हिल डुलत आवत नर 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 जय जय ले हो गए जाओ खेलो। निरादर किसी का न करे, देव योनि है मानव योनि वैसे प्रेत योनि भी है। ये जो पंखा से लटकते हैं गिर के बरत हैं जर जाते हैं, ये लोग क्या होते हैं, आदमी थोड़े होते हैं ये लोग, तो वह होते भूत प्रेत न किया जाए। गांव में इसलिए लोग डीह बाबा का पूजन करते हैं क्योंकि डीह बाबा के चरण में उनके आसन में गली गांव क्षेत्र मोहल्ले सारे भूत प्रेत उन्हीं के आसन में लगा करके उनका आसन उस पर डगा दिया जाता है। डीह बाबा सबकी रखवाली करते हैं, गांव के रास में से जो डीह बाबा के पूजन की राश नहीं निकालता है उसको डीह बाबा के आसन से निकल के बिच्छू मारता है। ये मान्यता नहीं यथार्थ है, डीह बाबा सबको संभाले रहते हैं, भोले बाबा भी सबको संभाले रहते हैं, लेकिन जब ब्याह में बाबा के आए गण लोग अरे राम रे राम आनंद हो रहा है। नाचे गावे गीत परम तरंगी भूत सब देखत यति विपरीत बोले सारे गण लोग विचित्र विचित्र आवाज निकालते क्यों, अरे यहीं से नहीं आए थे, पूरी धरती जहां जहां आवाज गई सब चल पड़े। लारी नर नना
जैसा दूल्हा वैसा समाज, बरात दूल्हे सरकार के अनुकूल बन गई हो, जस दूल्हा तस बनी बराता। इस कारण से मार्ग में बड़ा ही आनंद हो रहा। समाज कैसा, हम हो जैसे अपने अनुकूल समाज हो, नहीं तो मानिए जैसा समाज आपके चारों ओर है वैसे ही आप हैं। समाज का सभ्य समाज, अलभ्य समाज और विलोम समाज, सबका अपना अपना रस है। जो जैसा होता वैसा समाज अपने आप संगठित संग्रहित हो जाता। गण लोग गाते बजाते नाचते आनंद मनाते हिमाचल प्रवेश किए। नगर निकट बरात सुन आई पुर खर भर शोभा अधिकारी। घराती लोग बरात के स्वागतार्थ साज सजा कर हाथी घोड़ा हाथ लेकर उपस्थित भए। बाबा का समाज नहीं देव समाज। हर से सुरसेन निहारी, नेत्रों से देखकर घराती लोग गदगद हुए। अरे प्रभु श्री विष्णु भगवान को देखकर तो आनंद की सीमा ही समाप्त हो गई। आहा किसी ने पूछा लगता यही दूल्हा है। हाँ लोगों को कल्पना होती है जो सबसे सुंदर होगा वही दूल्हा होगा। किसी समझदार ने कहा यार हम लोग तो देखे नहीं है, किसी से पूछो तो पूछे दूल्हा यही है। बोले नहीं दूल्हा इनके पीछे ओ आ रहा। आप सब लोग जानते हैं बारात पीछे रहती है दूल्हा आगे रहता है, बीच में बाजा वाजा बजता रहता है अथवा बाजा बजता है तो दूल्हा सामने होता है। दूल्हा पूछना न पड़े इसलिए लोग घोड़ी पर बैठा देते हैं कि लोग देखें कि यह दूल्हा है सेरा वरा लगा के। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।